Welcome, Defense Aspirant. Welcome to Defense Adda 24/7. I am Jewish Kumar, welcomes you on this platform. Today, we are going to discuss an important current affairs of based on defense current affairs. Okay, so first question is coming to your screen. Please answer this question. So, by what name MiG-27 was known to Indian Air Force? MiG-27 को एयर फोर्स में किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि 27 दिसंबर 2019 को भारतीय वायुसेना में से MiG-27 को क्या किया गया? डीकमीशन यानी रिटायर किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो MiG-27 को इंडियन एयरफोर्स में बहादुर के नाम से जाना जाता था। ये कारगिल वॉर में काफी इसका अच्छा इम्पोर्टेंट रोल था, क्योंकि टाइगर हिल को जो हमने जीता था कारगिल वॉर में, वो MiG-27 की एक्यूरेट बॉम्बिंग के कारण जीता था। नेटो फोर्सेज में इसे फ्लोगर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये एक रशियन मेड था। और कोल्ड वॉर के टाइम में जब अमेरिका और रशिया एक दूसरे के अगेंस्ट थे, तो MiG-27 फ्लोगर के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए, इसमें अभी आगे और दे रखा है। इसका डी इंडक्शन कहाँ से हुआ है? एयरफोर्स के जोधपुर स्टेशन से हुआ है, और लगभग 40 सालों से भारतीय वायुसेना की सेवा में था। अगला क्वेश्चन है, which one of the name is given to the largest ever anti hijacking exercise of India conducted at Kochi? Indian Navy यानी भारतीय नौसेना ने एक सबसे बड़ी largest anti hijacking exercise को अंजाम दिया है। इसका नाम अपहरण है। ये क्यों किया गया? क्योंकि भारतीय महासागर, जिसे इंडियन ओशन कहा जाता है, जो अफ्रीका के तट से भी टच होता है, जहाँ पे सोमालिया पायरेट्स या सोमालिया के जो डाकू है वो समुद्री जहाजों में लूटपाट करते हैं, तो उस के विरुद्ध कार्रवाई की एक अभ्यास किया गया है, जिसका नाम क्या है? अपहरण। ये कहाँ पे हुआ था? कोची में हुआ था। 18 दिसंबर को अगर आप कोची में होंगे तो आपने वहां पे देखा होगा कि पानी के जहाज पर हेलीकॉप्टर से क्या उतर रहे हैं? कमांडोस लीडर कर रहे हैं, और इसमें इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और कोचीन पोर्ट ट्रस्ट भी शामिल रहे। ओके, इसमें कई सारे बड़े बड़े अधिकारियों ने भी भाग लिया, जैसे कमांडर ऑफ चीफ कोस्टल डिफेंस, फ्लैग ऑफिसर, साउदर्न नेवल कमांड। ओके, अब देखते हैं अगला। विच गाइडेड सिस्टम रॉकेट सिस्टम वॉज रिसेंटली लॉन्च फॉर ओडिशा? इसे पिनाका के नाम से हम जानते हैं। पिनाका क्या है? ये एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, क्योंकि कई सारे रॉकेट्स एक बार में ही छोड़ जाते हैं। इसे मिलिट्री लैंग्वेज में सैल्वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैल्वो। तो इसका जो हमने टेस्ट करा है, अपग्रेड करा है, पहले से है ये, लेकिन हमने इसको अपग्रेड करा है। तो कहाँ से किया है? उड़ीसा में चांदीपुर द्वीप है। पहले इसे व्हीलर आइलैंड बुलाया जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 2015 में जब स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हो गई थी, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। ये इंडिया की क्या है? MTR है, मिसाइल टेस्ट रेंज है। ओके, इसके साथ साथ और मिसाइल्स के बारे में देखेंगे जो ऑप्शंस में दिए गए थे। नाग, ये जो नाग मिसाइल है, ये इंडिया की क्या है? एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसे नामिका से छोड़ा जाता है, और ये जब दुश्मन एडवांस कर रहा हो उस शॉर्ट रेंज में से हम यूज करते हैं। इसकी जो रेंज है लगभग 500 किलोमीटर की है। ओके, इसके बाद जो आती है आकाश मिसाइल, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। अगर दुश्मन के जहाज हमारी टेरिटरी में आ रहे हो तो हम उसको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे? तो आकाश मिसाइल से करेंगे। ये पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक हिट कर सकती है, और इसे रेडार द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसका नाम क्या है? राजेंद्र। फिर आती है हमारी अग्नि। इंडिया की मोस्ट एडवांस, सबसे आधुनिक मिसाइल क्या है? अग्नि है। इसे ICBM भी बोला जाता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ICBM का अर्थ होता है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हिट करती है। ओके, इसकी रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर से। ओके, और अभी हम इसको और अपग्रेड कर रहे हैं अग्नि 6 के नाम से, जो इसका नया वेरिएंट आएगा उसका नाम क्या होगा? अग्नि 6। और इसकी रेंज कितनी होगी? 10,000 किलोमीटर की होगी। ओके, ये जो हमारी अग्नि मिसाइल है, इसकी रीच से हम बीजिंग, चाइना के बीजिंग तक को भी हिट कर सकते हैं। यहाँ आप इमेज में देख रहे होंगे, और केवल चाइना से ही ये कम है, बाकी पाकिस्तान से तो ये मोस्ट एडवांस है। ओके, और इसे कहाँ? उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड से इसे यूज किया जाता है, और ये न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी ये न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ले जा सकता है, जो 1.5 टन्स का होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत आएगा, जरूर आएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट विल बी दी अपर एज लिमिट फॉर न्यूली क्रिएटेड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? अभी आपको पता है हाल ही में एक नया पद बनाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो उसका रिटायरमेंट एज कितना होगा? तो उसकी जो रिटायरमेंट एज होगी वो होगी 65 ईयर्स।
तो देखते हैं क्या है. तो जो CDS की पोस्ट है यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और एक डिफेंसिव मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय में एक नया मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. ये रक्षा मंत्रालय में कौन सा मंत्रालय होगा? पांचवा मंत्रालय होगा. CDS की जो फॉर्मेशन है वो कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा से इसका अस्तित्व या इसका इंड्यूस हुआ था यानी इसका जन्म हुआ था, क्योंकि कारगिल वॉर में तीनों सेनाओं के समन्वय या कोऑपरेशन को देखा गया था. ओके और जो CDS की जो मैक्सिमम सर्विस एज होगी वो कितनी होगी? 65 साल, यानी वो 65 साल के बाद रिटायर हो जाएगा और उसके बाद वो कोई गवर्नमेंट पोस्ट भी नहीं कैरी कर सकता. ओके और इसके बारे में और देखिएगा, कैबिनेट कमेटी ने इसे 24 दिसंबर 2019 को इस पोस्ट को बनाया और ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होंगे डिफेंस मिनिस्टर को. ध्यान रखिएगा CDS क्या होगा, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होंगे किसको? डिफेंस मिनिस्टर को, CDS. और ये 4-स्टार रैंक जनरल की होगी. ओके और ये तीनों सेनाओं के क्या होंगे? प्रमुख होंगे. ओके CDS का जो है ये साथ ही साथ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के भी हेड होंगे और मिलिट्री एडवाइजर होंगे किसके? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी. अगर भारत को कभी भी कोई न्यूक्लियर वेपन यूज करना है तो उसके लिए सबसे पहले किसकी रिकमेंडेशन चाहिए होगी? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं. ओके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जनरल बिपिन रावत जो भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष थे, अब वो क्या बन गए हैं? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. उनकी जगह कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल या अब जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो भारत के 28वें थल सेना अध्यक्ष हैं. फिर रियर एडमिरल करमबीर सिंह, ये क्या है? भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं. और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया. ओके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. इंडिया विद विच कंट्री इज टू बिगिन ज्वाइंट नेवल पेट्रोल मिशन इन इंडिया ओशन रीजन. भारत किस देश के साथ क्या कर रहा है? नेवल एक्सरसाइज कर रहा है. जर्मनी, इजराइल, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर क्या है? फ्रांस. फ्रांस के साथ जो हमारी नौसेना की एक्सरसाइज है उसे वरुणा के नाम से जाना जाता है. ओके साथ ही साथ इसके साथ आर्मी की जो एक्सरसाइज है फ्रांस के साथ उसे शक्ति के नाम से जाना जाता है और एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है फ्रांस के साथ उसे गरुड़ा के नाम से जाना जाता है. ध्यान रखिएगा ये डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि कौन से देश के साथ है या इसका कहां पे इसको कंडक्ट किया गया था. ठीक है इसके बाद बढ़ते हैं इंदिरा. ये भी एक ज्वाइंट सर्विस एक्सरसाइज है भारत और किस देश के बीच में? तो देखते हैं इसका एक हिंट आपको बता दूं. INDA से इंदिरा, RA से रशिया. तो रशिया के साथ ये एक ज्वाइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है यानी इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं और इसका हाल ही में आयोजन किया गया था दिसंबर 10 से 19 तक पुणे और गोवा में. ओके साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भारत की अन्य देशों के साथ विभिन्न एक्सरसाइज कौन कौन सी है. तो शक्ति भारत और फ्रांस, गरुड़ा शक्ति भारत और इंडोनेशिया, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, हरमन शक्ति इंडिया और मलेशिया, हैंड इन हैंड चाइना के साथ, युद्ध अभ्यास USA के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ, काजहिन कजाकिस्तान के साथ, इक्वेरियन मालदीव के साथ और नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ. ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है. ओके इसके बाद क्या है? इंडियन आर्मी सिंधु दर्शन एक्सरसाइज रिसेंटली कंक्लूडेड इन विच स्टेट. ये सिंधु दर्शन जो एक्सरसाइज है कहाँ पे हुई थी? तो ध्यान रखिए उसमें हुई थी राजस्थान में. क्यों? क्योंकि सिंधु दर्शन क्या है? एक चक्रा क्रॉप्स यानी कॉप्स होती है जो डिवीजन होती है पूरी, उसमें इंटीग्रेटेड सर्विस एक्सरसाइज थी यानी इसमें तीनों सेनाओं का भाग लिया गया था. अगर भारत पाकिस्तान की तरफ से यानी हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहां से कोई आक्रमण होता है या वहां से कोई इन्वेजन होती है तब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी उनका रिस्पॉन्स कैसे करेंगे उसकी एक एक्सरसाइज थी. इसे क्या बोला गया? सिंधु दर्शन एक्सरसाइज बोला गया. ओके इसके बाद मित्र शक्ति. अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र करा था. मित्र शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश के साथ है? तो मित्र शक्ति हमारी किसके साथ है? श्रीलंका के साथ है. 1 दिसंबर 2019 को इसका आयोजन उन मिलिट्री स्टेशन में किया था. ध्यान रखिएगा ये आर्मी एक्सरसाइज है. अगर मैं बात करूं उसके साथ नेवी एक्सरसाइज अलग होगी तो वो है स्लाइनेक्स, SLINEX स्लाइनेक्स, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच क्या है? नेवल एक्सरसाइज है. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. सूर्य किरण इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्री. तो सूर्य किरण जो भारत की एक्सरसाइज है वो कौन से देश के साथ है? तो सूर्य किरण जो हमारी एक्सरसाइज है वो नेपाल के साथ है जो पिछले साल 3 से 16 दिसंबर के बीच नेपाल में जिसका आयोजन किया गया है. और ये लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया US डिफेंस एक्सरसाइज ट्राइगर ट्रायम्फ, ये पहली बार एक्सरसाइज हुई है भारत और USA के बीच में. ये इसका आयोजन कहां पे हुआ है? पहले एक बार बता दूं,
भारत और यूएसए के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है युद्ध अभ्यास, लेकिन ये ट्राइगर ट्रायम्फ है, ये पहली बार एक्सरसाइज हुई और ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, यानी इसमें तीनों सेनाएं मिलकर भाग लेती हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, इसका आयोजन ये पहली बार हुई है 13 नवंबर से 21 नवंबर के बीच इसका विशाखापट्टनम और कायनाड कोस्ट आंध्र प्रदेश में हुआ है। ओके,